वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के ये वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे इंग्लिश प्रीपोजिशन। इंग्लिश के अंदर प्रीपोजिशंस क्या होता है, प्रीपोजिशंस के टाइप कौन से हैं, उसके एग्जांपल्स क्या है और कौन से प्रीपोजिशंस होते हैं, और साथ में प्रीपोजिशंस की डेफिनेशंस भी लर्न करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट उस चीज का लर्न करेंगे। ठीक है, ये जो प्रीपोजिशंस के ऊपर हम दो वीडियोज बनाएंगे, जो ये जो फर्स्ट वीडियोज है इसके अंदर हम सारा कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, प्रीपोजिशन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे। सेकंडली उसके एक दो एग्जांपल लर्न करेंगे, उसके बाद में इंडिविजुअली प्रीपोजिशन डिटेल्स में हम अलग से और एक दो वीडियोस बनाएंगे। तो ये फर्स्ट वीडियोस है प्रीपोजिशन के रिगार्ड में, कि प्रीपोजिशंस क्या होता है, कितने कितने टाइप्स है, उसके डेफिनेशंस क्या है। तो ये वीडियो के अंदर हम प्रीपोजिशंस लर्न करेंगे, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन। सो सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रीपोजिशन, के प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग्स के प्रीपोजिशंस का मीनिंग क्या होता है, प्रीपोजिशंस क्या होता है। तो यहां पर क्या लिखा है कि प्रीपोजिशंस टेल अस द पोजिशन ऑफ समथिंग। प्रीपोजिशन हमें क्या बताता है, किसी भी चीज की पोजिशन बताता है। क्या बताता है प्रीपोजिशन हमें, पोजिशन बताता है ऑफ समथिंग इन रिलेशन टू अनदर। That means कि प्रीपोजिशन हमें किसी और चीज के रिलेटेड, किसी और चीज के कनेक्शन में हमें किसी एक चीज की पोजिशंस बताता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस क्या होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या करता है, आपको क्या इंडिकेट करता है, पोजिशन इंडिकेट करता है किस चीज में, किसी और एक चीज के रिगार्ड में आपको, किसी के रिलेशन में वो आपको उसकी पोजिशन इंडिकेट करता है, आपको उसकी पोजिशन बताएगा, उसकी जगह बताएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन के। प्रीपोजिशन क्या होता है, किसी और चीज के सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर और कोई वर्ड है तो वो वर्ड के कनेक्शन में, वो वर्ड के रिलेटेड में आपको फर्स्ट वर्ड की पोजिशन बताता है, दैट इज नोन एज सिंपली प्रीपोजिशन। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम प्रीपोजिशन की डेफिनेशन लर्न करेंगे। पहला कंसेप्ट देखा, अब हम उसको डेफिनेशन वाइज, अगर एग्जाम के अंदर आता है कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है तो कैसे हम लिख सकते हैं, ये लर्न करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर नाउन और अ प्रोनाउन। प्रीपोजिशन वो वर्ड है जिसको प्लेस मतलब रखना, वो कहां पे रखा जाता है, बिफोर, किसके बिफोर में, किससे पहले, नाउन और प्रोनाउन दोनों से पहले प्रीपोजिशन एक वर्ड लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन वर्ड हमें सेंटेंस में कहां पर लिखना है, तो कि भाई नाउन और प्रोनाउन से पहले हमें प्रीपोजिशन का वर्ड लिखना है। ठीक है, ये फर्स्ट थिंग से। नाउ आगे क्या बताया है, नाउन सो इट्स रिलेशन विथ समथिंग, उसका रिलेशन दिखाता है कि ये किससे रिलेटेड है, समथिंग एल्स इन द सेंटेंस, के प्रीपोजिशन किसी और वर्ड के सेंटेंस में किसी एक वर्ड का आपको रिलेशन दिखाता है कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है, और प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स का ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि सर नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, अलग से मैंने एक बहुत बड़ा वीडियो जिसके पे बनाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है। मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है, नाउन आइडेंटिफाइज अ पर्सन एनिमल्स और थिंग्स। नाउन क्या होता है, आइडेंटिफाई द पर्सन एनिमल्स और किसी भी चीज का नाम हो सकता है, इट इज नोन एज द नाउन, सिंपली नाम, इट इज नोन एज नाउन। किस चीज का, इंसान हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, किसी थिंग्स, किसी चीज वस्तु का नाम हो सकता है, इट इज नोन एज नाउन। और प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन्स आर वर्ड लाइक ही, सी, योरसेल्फ, माइंड, हूज, दिस एंड समवन्स, ये सारे प्रोनाउन है। पर्सन एनिमल और किसी चीज की जगह पे अगर दूसरे वर्ड उसका जिक्र आता है सेंटेंस के, दूसरी बार अगर हम उसको यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोनाउन यूज होता है, ही, सी, इट, दे, योरसेल्फ, समवन, बाय, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके प्रोनाउन से। क्लियर, डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना करके रखा है, उसको जाकर के आप देख लो। सो हम अब डिस्कस करते हैं फिर से प्रीपोजिशन पे, भाई प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन एक तो नाउन और प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है सेंटेंस के अंदर, और वो किसी चीज का, किसी और चीज से रिलेशन डिक्लेयर करता है कि इसके साथ इसका ये रिलेशन है। क्लियर, बहुत इजी, बहुत ही सिंपल है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, और प्रीपोजिशंस के कितने टाइप्स है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन को जनरली तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। यहाँ पे क्या लिखा है कि बेस्ड ऑन देयर यूज इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशंस के थ्री टाइप्स, उसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है प्रीपोजिशंस को। ओके, द प्रीपोजिशंस
प्रीपोजिशंस आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज ऑफ थ्री कैटेगरीज ऑफ मेजर कौन सी है. देखो बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ऑथर्स ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, बट जनरली ये जो वीडियोस है मैंने बहुत सारे स्टडी करके शॉर्टलिस्ट करके ब्रीफ बनाया है जिसके अंदर आपको मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया दूंगा. ठीक है, बहुत सी जगह पे ये लिखा होगा कि जनरली चार टाइप से पांच टाइप से, वो सबने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया है, मेजरली थ्री टाइप. ओके ना, तो सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्लेस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन, किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के साथ प्लेस के अकॉर्डिंग कुछ कनेक्शंस है तो यहाँ पे हम प्लेस प्रीपोजिशंस का यूज करेंगे. सेकंड नंबर पर क्या दिया है, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड के कंसर्न में टाइमिंग बताना है तो यहाँ पे हम टाइम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. ना उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है, प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट. तो किसी चीज की मूवमेंट है किसी और चीज से रिलेटेड तो यहाँ पे हम मूवमेंट प्रीपोजिशन यूज करेंगे. थ्री टाइप से, प्लेस सेकंड नंबर पर दिया है, टाइम और थर्ड नंबर पर दिया है मूवमेंट. जनरली ये तीन प्रीपोजिशंस के, ये तीन प्रीपोजिशंस के टाइप से तीन कैटेगरीज में हमने उसको डिवाइड किया. क्लियर, अब उसको हम डिटेल में समझेंगे एक एक प्रीपोजिशंस को. चलते हैं अगली स्लाइड पे. जस्ट अ सेकंड, फिर से एक बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, विच कैन बी यूज टू शो, दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए, समथिंग इज लोकेटेड वेयर, कहाँ पे कोई चीज कहां पर लोकेटेड है, इस चीज को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज करेंगे. कोई चीज है, ये पेन मेरे हाथ में है, तो इसको दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज करेंगे. प्लेस प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज करेंगे मतलब कोई किसी भी चीज को कहां पर रखा है, कौन सी जगह पर है, कहां पे उसको प्लेस किया है, कहां पे रखा हुआ है, इस चीज को दिखाने के लिए हम प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस यूज करेंगे. क्लियर, अगली स्लाइड पे चलते हैं. सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का, एक एग्जाम्पल दिया है प्लेस के कंसर्न में. क्या यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि द एयरप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, ये जो प्लेन है वो ये क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है. प्लेस दिखा रहा है, लोकेशन दिखा रहा है कि ये क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है. तो यहाँ पे एक लोकेशन दिखाया कि क्लाउड से ऊपर है, एक लोकेशन है किस चीज का, एरोप्लेन का लोकेशन है. तो यहाँ पे हम कौन सा प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे यूज किया, अबव. और ये प्रीपोजिशन, एक सेकंड, ये वाला प्रीपोजिशन अबव जो हमने यूज किया, ये कौन सा प्रीपोजिशन है, प्लेस प्रीपोजिशन. बिकॉज ऑफ ये पूरे सेंटेंस के अंदर आपको ये दिखाया गया है जो मेन जो पर्पज है कि आपका जो प्लेन है वो क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है. तो यहाँ पे लोकेशन दिखाया किसका, प्लेन का लोकेशन दिखाया. ठीक है, तो ये प्लेस हो गया, तो ये एग्जांपल आपका हो गया प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस का. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ओके, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया है कि द बुक इज कैप्ट अंडर द टेबल. ठीक है, बुक को कहाँ पे रखा है, टेबल के अंडर, टेबल के नीचे रखा है. यहाँ पे बुक की प्लेस दिखाई जाती है कि जो बुक है वो टेबल के नीचे रखा है, तो कौन सा प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, प्लेस प्रीपोजिशन हमने यहाँ पे यूज किया. और ये जो एग्जांपल आप देख रहे हो, ये एग्जांपल है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के, बुक को टेबल के नीचे रखा गया है. क्लियर, ओके. यहाँ पे प्रीपोजिशन अंडर, ये आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है. नाउ नेक्स्ट, ओके, अब यहाँ पे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस के अंदर कौन से प्रीपोजिशंस है उसके एग्जांपल दिए हैं. ये एग्जांपल से ज्यादा इस पे डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, ये एग्जांपल अलग से एक वीडियो बना के डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर भी देख लेते हैं कौन से प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है, अबव, अप, आफ्टर, ऑन, बिफोर, अगेंस्ट, बाय, बिहाइंड, बिलो, अलोंग, नियर, डाउन, ऑन, इट, ये सारे है, ये सारे प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस है. किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी चीज का अगर आपको प्लेस दिखाना है तो आप प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, ये सारे प्रीपोजिशंस आप यूज कर सकते हो सेंटेंस के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वीडियो में उसको डिटेल में लर्न करेंगे. ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नाउ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, टाइम प्रीपोजिशन. टाइम प्रीपोजिशंस के अंदर क्या क्या चीजें हैं लर्न करते हैं हम.
कि टाइम प्रीपोजिशन में यहाँ पर दिया है कि इट हेल्प्स टू लिंक द नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को कनेक्ट करता है, लिंक करता है किससे, और टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू के साथ इसको लिंक करता है। अब आगे इसको डिटेल में समझते हैं क्या है। इट फंक्शंस एज अ इंडिकेटर एज टू व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम डिड इवेंट ऑकवर्ड। कोई चीज है, किसी भी चीज, कुछ चीज हुआ, कुछ चीज बना है, तो कौन से टाइम पे बना है, ये टाइम को इंडिकेट करता है। कौन सा प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन के यहाँ पे लिखा है ना, टाइम वैल्यू इंडिकेट करता है, नाउन और प्रोनाउन का टाइम वैल्यू का, ये कब हुआ, कौन से टाइम पे हुआ, तो ये चीज इंडिकेट करता है। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट दिया है, वी वेंट टू ईट आइसक्रीम एट नाइट। हमने आइसक्रीम खाई, कब खाई, यहाँ पे टाइम दिया है एट नाइट, और कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया, एट, टाइम प्रीपोजिशन एट, हमने रात को आइसक्रीम खाई थी, समझ में आया। तो ये आपका कौन सा प्रीपोजिशन है, एट, टाइम प्रीपोजिशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो देखते हैं इसके अंदर, ओके, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल दिया है, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कौन से टाइम में, मॉर्निंग में चलने के लिए, कौन सा प्रीपोजिशन है, इन द मॉर्निंग, टाइम दिखा रहा है कौन सा टाइम, मॉर्निंग टाइम में चलने के लिए गए। क्लियर, तो ये आपका हो गया टाइम प्रीपोजिशन। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, टाइम प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल देखेंगे, उसके अंदर कौन से प्रीपोजिशन, कौन से वर्ड है, इसको डिटेल में भी बाद में लर्न करेंगे, सिर्फ यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है अबाउट, बिफोर, फोर, बाय, अराउंड, इन, अगो, एट, पास्ट, सिंस, टू, ऑन, आफ्टर, ये सारे वर्ड है टाइम को इंडिकेट करने के लिए कि कब कौन सी चीज कब हुई। ठीक है, डिटेल में बाद में लर्न करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू संडे, कहां से कहां तक ओपन है, मंडे से संडे तक, ये टाइम इंडिकेट कर रहा है। तो आपका ये टाइम प्रीपोजिशन हो गया कि मंडे टू संडे तक ये ओपन है, इंडिकेटर प्रीपोजिशन कौन सा है, फ्रॉम। नाउ नेक्स्ट, और यहाँ पे एक दिया है कि दिस शॉप इज ओपन फ्रॉम मंडे टू संडे, यहाँ पे क्या ब्लैंक है, ब्लैंक के अंदर आपका जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, फ्रॉम वर्ड आएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है टाइम के, ये जो है वो मंडे टू संडे, ये चीज हमारी ओपन रहेगी, टाइम प्रीपोजिशन का एग्जांपल। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ओके, नाउ द लास्ट प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट प्रीपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन से एग्जाम्पल है, मूवमेंट प्रीपोजिशन क्या है, आगे चल के हम इसको देखते हैं। सबसे पहले मूवमेंट प्रीपोजिशन, अ प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट इज यूज्ड टू शो, वो किस चीज को दिखाता है, मूवमेंट टू और फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे किसी भी चीज का अगर मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, मूवमेंट प्रीपोजिशन। फिर से एक बार इसको मैं रिपीट करता हूं, सो मूवमेंट टू और फ्रॉम अ प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का जो मूवमेंट है, किसी भी चीज का मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट हम यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे, मूवमेंट प्रीपोजिशन हम वहां पर यूज करेंगे। एग्जांपल इसके हम समझते हैं, ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल यहां पे दिया है, चिल्ड्रन आर गोइंग टू द स्कूल, गोइंग मतलब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मूवमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे, चिल्ड्रन का मूव हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, तो कौन सा प्रीपोजिशन हमने यूज किया, गोइंग प्रीपोजिशन, और उसका कैटेगरी कौन सा है, मूवमेंट, के बच्चे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चों का मूवमेंट हो रहा है, तो ये आपका कौन सा प्रीपोजिशन हो गया, मूवमेंट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट, और एक एग्जांपल दिया है, ही जंप्ड इनटू द रिवर, उसने पानी में जंप लगाया, तो ये जंप मतलब पानी के अंदर गिरना, एक मूवमेंट है, जंप करना मूवमेंट है, पानी में कूदना मूवमेंट है, तो आपका कौन सा प्रीपोजिशन हो गया, मूवमेंट प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद एक और एग्जांपल है, तो देखते हैं क्या है आगे, ओके, नाउ यहां पर दिए हैं, हियर सम एग्जांपल ऑफ द प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट प्रीपोजिशन के अंदर कौन से वर्ड है, कौन से वर्ड का हम यूज कर सकते हैं मूवमेंट प्रीपोजिशन को शो करने के लिए, तो यहाँ पे कौन से वर्ड दिए हैं, फर्स्ट दिया है डाउन, पास्ट, इनटू, बिहाइंड, अप, ऑन टू, थ्रू, ऑफ, ओवर, ऑन,
अक्रॉस, ये सारे जो वर्ड है वो सारे वर्ड हम मूवमेंट प्रीपोजिशन किसी भी जिसके मूवमेंट बताने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको डिटेल में समझेंगे सारे वर्ड को इंडिविजुअली सेपरेटली। आगे चलते हैं, सो ये होम असाइनमेंट्स है घर पे प्रैक्टिस करने के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करो, पूरा वीडियोस दो दिन बाद रिवाइज करके देखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। दो तीन क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उसका आंसर आप दो तो आपको परफेक्टली आइडिया चलेगा कि आपका कितना स्टडी हुआ, कितना प्रोग्रेस हुआ। ना समझ में आए वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके देखो, फिर भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बताओ, हम डेफिनेटली उसके भी और एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ये सारे होम असाइनमेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लेके आप घर पे प्रैक्टिस करो, इट्स अ वेल एंड गुड, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारा जो था प्रीपोजिशन था, देर आर जनरली थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्लेस प्रीपोजिशन, टाइम प्रीपोजिशन और मूवमेंट प्रीपोजिशन। प्लेस प्रीपोजिशन है वो इंडिकेट करता है प्लेस, टाइम प्रीपोजिशन के अंदर टाइम का ज्यादा वैल्यू है, टाइम इंडिकेट करता है कौन से टाइम पे कौन से घटना घटी क्या हुआ, ये सारा टाइम प्रीपोजिशन में होगा। और मूवमेंट इंडिकेटर किसी भी चीज का मूवमेंट रिफ्लेक्ट करता है, मूवमेंट दिखाता है, ये जनरली ये तीन प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन से पहले सेंटेंस के अंदर लिखे जाते हैं। क्लियर, तो ये सारा वीडियो था प्रीपोजिशन के रिगार्ड में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।